मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखें तो ये तीन प्रकार की होती हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या चीज, तो ये करता क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु में, इसमें पर्सन आर थिंग्स, किसी व्यक्ति या वस्तु में क्या करता है वो, कोई क्वालिटी या प्रॉपर्टी, कोई गुण कितना है, क्वालिटी गुण कितना है इसका कंपेयर करता है। तो ये आपको बताया मैंने कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वन कंपैरेटिव डिग्री। एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके हम बात करें तो सबसे पहला हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। इसकी बात करें पॉजिटिव डिग्री की बात करें पॉजिटिव डिग्री क्या कहते हैं, When a adjective or adverb is in simple form, तो ये किसकी बात कर रहा है, an adjective, an adjective or adverb, और ये किस में हो, simple form में, तो इसे कहा जाता है पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे एज गुड, ओल्ड, फैट, बिग, स्वीट एटसेट्रा। कुछ एग्जाम्पल देखें और उससे समझते हैं। तो एग्जाम्पल से देखें तो पहला देखते हैं किरण इज गुड गर्ल। आई सा अ बिग कार। ही इज एन ओल्ड मैन। My brother is strong. My brother is strong. ये इस प्रकार से
अब चर्चा करें कंपेरेटिव डिग्री के बारे में। कंपेरेटिव डिग्री, तो कंपेरेटिव डिग्री क्या कहता है कि दो वस्तु या व्यक्तियों के गुणों की तुलना करेंगे। अब यहां क्या होगी, टू पर्सन आर टू थिंग्स, दो व्यक्ति या दो वस्तु होगा उसके बीच हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, उसके बीच तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसकी, उनके प्रॉपर्टीज की, गुणों की, क्वालिटी की, प्रॉपर्टीज की या क्वालिटीज की, इनकी हम तुलना करेंगे। कुछ वर्ड्स देखें, बेटर, ओल्डर, बेटर, ओल्डर, बिग से बिगर, स्ट्रांग से स्ट्रांगर। अब इसी का सेंटेंस में देख लेते हैं, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन। एग्जाम्पल देखें, पहला, दिस पेन इज बेटर देन दैट पेन, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट ट्री। इसी प्रकार से माय कार इज बिगर देन हिज कार, दस माय कार इज bigger than his car, like that। यह हुआ हमारा comparative degree। हमने क्या किया, ये तुलना किया दो पेन के बीच, दो वृक्ष के बीच, दो कार के बीच, है ना। तो इस प्रकार से he was stronger than his enemy, he was stronger than his enemy। अब ये तुलना कर दिए पर्सन की, तो इस प्रकार से ये दूसरा डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, जिसमें गुणों की दो वस्तुओं की या व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाती है। तीसरा देखें, सुपरलेटिव डिग्री, सुपर लेटिव डिग्री, तो सुपर लेटिव डिग्री में तीन या उससे अधिक, इससे पहले एक देखा दो देखा, अब इसमें तीन या उससे अधिक, थ्री आर मोर देन थ्री पर्सन, थ्री आर मोर देन थ्री पर्सन आर थिंग्स, इनमें किसी एक का, तीन में किसी एक का, तीन में से ज्यादा से ले रहे हैं तो उनमें से किसी एक का क्या होगा, क्वालिटीज होगा वो अच्छा होगा,
तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स देखें, बेस्ट, ओल्डेस्ट, बिगेस्ट, इसी प्रकार से स्ट्रॉन्गेस्ट, एटसेट्रा। तो अब इसका देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें, पहला किरण इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, गर्ल इन द क्लास, तो पूरे कक्षा का तुलना किए, उसमें किरण को बेस्ट बनाया। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, इन अदर एग्जाम्पल दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन माई गार्डन, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, इन अदर एग्जाम्पल इज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। तो इस प्रकार से पूरे भीड़ में तीन या तीन से अधिक लोगों के बीच या वस्तुओं के बीच किसी एक को महत्व दिया जाए, उसकी तुलना किया जाए, तब वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब इसके साथ ही डिग्रियों को बदलने के नियम सीख लेते हैं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। तो एक नियम क्या कहता है कि एडजेक्टिव जो होगा उसमें आर या ईयर जोड़कर एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव, उसमें आर या ईआर जोड़कर सुपरलेटिव, और एसटी या ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे उदाहरण देखें, हाँ याद रखेंगे एडजेक्टिव में ना, इसमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री में आर या ईआर लगाएंगे तो कंपेरेटिव बनेगा, एसटी या ईएसटी बनाएंगे तो सुपरलेटिव बनेगा। जैसे टॉल, तो इसमें लगा दें ईआर तो क्या बन जाएगा, टॉलर, ईएसटी लगा दें तो टॉलिस्ट, तो ये क्या बन गया, सुपरलेटिव बन गया, ये बन गया कंपेरेटिव बन गया। उसके बाद देखें अन्य, ग्रेट, तो ग्रेट का क्या हो गया यहां पे, ग्रेटर, और यहां ग्रेटेस्ट। उसी प्रकार से चीप, सस्ता, चीपर, चीपेस्ट। इसी प्रकार से वाइज, बुद्धिमान, वाइज, वाइजर, आर लगा दें और एसटी फिर यहां वाइजेस्ट। ये इस प्रकार से आपको कोई एडजेक्टिव है उसके पॉजिटिव डिग्री में आर या ईयर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री, और एसटी और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। यह हो गया हमारा रूल नंबर 1।
एक आधार उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बहादुर, ब्रेव, ये हो जाएगा ब्रेवर और ये ब्रेवेस्ट। इसी प्रकार से स्वीट, स्वीट मीठा, स्वीटर, स्वीटेस्ट और आप अन्य उदाहरण आप प्रैक्टिस में देख सकते हैं। नियम दूसरा कहता है कि एडजेक्टिव तो हो लेकिन एंड में कंसोनेंट हो। उस अवस्था में क्या करेंगे, तो आपको खाली ER और EST लगाना है। यहां पर ER कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER और सुपरलेटिव डिग्री के लिए EST। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे फैट, ये कंसोनेंट आ गया, क्या हो जाएगा ये फैटर। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको भी देख लें, उसके बाद नियम समझ में आ जाएगा। फैटेस्ट की ये जो कंसोनेंट है इसको क्या करना है हमको, डबल और उसके बाद ER और EST लगाना है। चलिए देखते हैं, थीन तो ये कंसोनेंट है, थीन N को डबल कर दें, ER लगा दें, थीनर हो गया। थीन N को डबल कर दें, EST जोड़ दें, थीनेस्ट। इसी प्रकार से हॉट कंसोनेंट की डबल कर दें, हॉटर एंड हॉटेस्ट। तो इस प्रकार से ये नियम याद रहेगा, बड़े आराम से और अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। इसको भी बता देते हैं, ये बिग, ये बिगर और बिगेस्ट। उस एडजेक्टिव में एडजेक्टिव जो वर्ड्स है उसमें एंड में क्या हो, एंड में वाई हो, क्या हो, एंड में वाई हो। तो वाई को क्या कर देते हैं, आई और फिर ER और फिर EST। बस इतना ही याद रखना है, ई एडजेक्टिव में शब्द में उसके शब्द के अंत में क्या हो, वाई हो। तो क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं और कंपरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST एड कर देते हैं। देखिए कैसे, इजी ये वाई है, तो वाई को क्या करना है, आई में तब्दील कर रहे हैं, EASI और फिर ER जोड़ देना है। इजियर, फिर इजिएस्ट। समझ में आ गया ना, क्या किए, वाई को आई में तब्दील करके ER को जोड़ दिए और यहां EST जोड़ दिए। उसी प्रकार से हैप्पी, हैवी, डर्टी, हैवी, तो क्या हो जाएगा,
आई ई आर हैवियर हैवीएस्ट, उसी प्रकार से हैप्पी ये हो जाएगा हैपियर हैपीएस्ट, आप इस प्रकार से उसको तब्दील कर सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान में रखना है, यदि वाई के पहले कोई स्वर हो, वाई तो हो एंड में लेकिन वाई के पूर्व क्या हो, स्वर हो, वॉवेल हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, बिना तब्दील किए ई आर और ई एस टी जोड़ देना है। जैसे गे गियर समलैंगी गेस्ट, ग्रे ग्रे ग्रेयर ग्रेस्ट, ये इस प्रकार से आपको तब्दील करने हैं। अगला नियम कहता है कि जब हमारे एडजेक्टिव में एडवर्ब में सॉरी यहां एडवर्ब के अंत में एलवाई हो, एडवर्ब में क्या हो, एलवाई हो, या एडवर्ब में एडवर्ब जो है दो या दो से अधिक सिलेबस से बने हो, टू आर मोर देन टू सिलेबल, याद रखना सिलेबल्स, इसी स्थिति में एक तो एलवाई हो ठीक है, या फिर दो या दो से अधिक सिलेबल से मिलकर बने हो, तब हम क्या करते हैं, कंपरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट, ठीक है, मोर और मोस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली ये एलवाई हो गया, तो हमको यहां क्या लिखाना है, मोर और ये ब्यूटीफुली, और यहां मोस्ट ऑफ ब्यूटीफुली एक लिख देते हैं, ब्यूटीफुली और यहां मोस्ट और फिर ब्यूटीफुली। इसी प्रकार से स्लोली स्लोली एलवाई है तो क्या हो जाएगा, मोर स्लोली मोस्ट स्लोली। अब सिलेबल की बात करें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दो से बना, ब्यूटी और यह फूल से ये भी बना है, तो ब्यूटी और फूल दो से बना, इसी प्रकार से यूज फूल यूज और फूल, तो यहां पर वही काम करेंगे हम, कंपरेटिव बनाने के लिए मोर ब्यूटीफुल मोर लगा दिए, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल, यहां पर यूजफुल को कंपरेटिव बनाने के लिए मोर यूजफुल,
मोर यूजफुल और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट यूजफुल। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और किसी प्रकार से आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।